हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेट वाला सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने कट लगाया है तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा लिया है। इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैंने नेट को लिया है तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे। तो कुछ इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। बची हुई नेट की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेट की कटिंग कर दी है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे अत्तर को भी सिल लिया है कपड़े में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें गला सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से गले को भी बना लिया है। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। ठीक है, तो गले की डिजाइन किस तरह से बनाते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है प्रीति स्टिचिंग के नाम पर। ठीक है, तो उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से हमने गले की डिजाइन बनाई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से निशान भी लगा दिए हैं। तो दोनों पल्ले को पहले एक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कट है तो यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साठ में तरह से कट लगा लेंगे। तो हमने एक तरफ से कट लगा दिया है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी कट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी कट लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया है उतना हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से पीछे वाले पल्ले पर भी कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाक से लेंगे। तो पहले हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है,
फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, इसको मैंने कुछ इस तरह से सिल भी लिया है। तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम नेट वाली बाजू को भी कुछ इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। और फिर चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहां पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो इस पट्टी को हम कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने सूट को लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, बाजू में जो हमारा कट है वो कट हम यहाँ पर शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर नाप के बाजू को सिलेंगे। यहाँ पर हमारा जो साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 5 इंच है, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, साइड में हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट भी लगा दिए हैं, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से नेट वाला सूट सिलकर आप लोगों को दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।